हे एवरीवन, तो कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कोई एनिमे मूवी एक्सप्लेन करो, और लास्ट मूवी मैंने एक महीने पहले एक्सप्लेन की थी, तो सोचा क्यों ना एक मूवी ही एक्सप्लेन कर देते हैं। और वैसे भी इस साल 2-3 काफी बढ़िया मूवीज रिलीज हुई है, और उनमें से ही एक मूवी आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है मेन कैरेक्टर को दिखाते हुए, जिसका नाम होता है तोनो। क्लास में उसकी आंख लग गई थी और वो सपने में एक छोटी बच्ची को देखता है। वहीं पास में बैठी दो क्लासमेट्स आपस में बातें कर रही थी। हे, तुम्हें उस टनल के बारे में पता है? कहते हैं उसके अंदर जाने से तुम्हारी एक विश पूरी हो सकती है, लेकिन बदले में तुम्हारी उम्र 100 साल तक बढ़ जाएगी, और उस टनल का नाम है ओराशिमा टनल। इन दोनों लड़कियों की बातों से ही तोनो की आँख खुल जाती है। अब अगले सीन में स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी। तोनो स्टेशन पहुंचता है और वो देखता है कि वहाँ पर पहले से ही एक लड़की बैठी होती है। तोनो उसके बगल में ही आकर खड़ा हो जाता है और वो उस लड़की को तिरछी नजरों से देखे जा रहा था, क्योंकि उसने उस लड़की को इस एरिया में पहले कभी नहीं देखा और वो पूरी भीगी हुई थी। उसके पास अम्ब्रेला नहीं था। तो इन मोहतरमा का नाम है आंजू। सेम टाइम पर एक अनाउंसमेंट होती है कि भारी बारिश की वजह से एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। एक जानवर ट्रेन के सामने आ गया, जिस कारण से ट्रेन आधा घंटा देरी से आएगी। वहीं आंजू ने नोटिस कर लिया था कि तोनो उसे ही देख रहा है। वो कहती है, तुम्हें पता नहीं है, इस तरह से लोगों को तिरछी नजरों से घूरना एक अच्छा मैनर नहीं है। उसके कहने के बावजूद तोनो अभी भी उसे देखे जा रहा था। फिर अचानक ही वो अपना अम्ब्रेला आंजू की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, तुम इसे रख लो, मेरा घर स्टेशन के पास ही है, तो मैं बिना अम्ब्रेला के भी जा सकता हूँ। आंजू कहती है कि अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। तोनो कहता है, ले लो, वरना ज्यादा भीग कर बीमार पड़ गई तो पेरेंट्स तुम्हारे परेशान होंगे। अंजू कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स भी तो परेशान होंगे। तोनो कहता है, मेरे घर वाले मेरे लिए परेशान नहीं होते। वहीं अंजू कहती है, मेरे भी पेरेंट्स नहीं है। तोनो कहता है, ये अच्छी बात है। उसकी बात से अंजू काफी हैरान होती है और चुपचाप उसका अम्ब्रेला ले लेती है। फिर वो कहती है, अपना नाम बताओ और नंबर दो, ताकि मैं तुम्हारा अम्ब्रेला लौटा सकूं। और इस तरह से दोनों आपस में नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। अब अगले दिन तोनो क्लास में बैठा हुआ था, तभी टीचर क्लास में एक न्यू स्टूडेंट को साथ लेकर आती है। एंड गेस व्हाट, ये वही लड़की है। आंजू का टोक्यो से अभी ट्रांसफर हुआ है। तोनो उसे देखकर एकदम हैरान रह जाता है। वहीं टीचर आंजू से खुद को इंट्रोड्यूस करने को कहती हैं, लेकिन आंजू कहती है, कुछ खास बताने को है नहीं, इसलिए मैं अपनी सीट पर बैठना चाहूंगी। ये कहकर वो तोनो के पास आती है और कहती है, तो हम क्लासमेट्स हैं, मुझे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश मत करना, मैं कल खुद तुम्हारा अम्ब्रेला लौटा दूंगी। आंजू के जाते ही तोनो का दोस्त पूछता है, अम्ब्रेला, कैसा अम्ब्रेला भाई, और तुम इसे कैसे जानते हो? फिर अब क्लास खत्म होते ही लड़कियां आंजू से बातचीत करने की कोशिश करती हैं, लेकिन भाई ये लड़की किसी को कुछ भाव ही नहीं दे रही थी। वहीं तोनो और उसका दोस्त ये सब देख रहे थे, और तोनो का दोस्त कहता है कि कितने घमंडी है ये, देखना बहुत जल्द ये कावासाकी का टारगेट बनेगी। शैतान का नाम लिया ही था कि वो हाजिर भी हो जाती है। कावासाकी आंजू से कहती है, क्यों भाई, तुम खुद को समझ के आ रही हो? पहला ही दिन है और इतना घमंड, कहाँ की प्रिंसेस हो भैया, जरा हमको भी बताओ। आंजू उसे फुल इग्नोर मारती है। कावासाकी को गुस्सा आ जाता है और वो आंजू से उसकी बुक छीन लेती है। आंजू एकदम कायदे से कहती है, बुक लौटा दो, लेकिन कावासाकी को तो मजाक सूझ रहा था, इसलिए वो बुक जमीन पर फेंक कर हंसने लगती है। आंजू बुक उठाते हुए कहती है, क्या तुम लोग मुसीबत मोल लेना चाह रहे हो? और वो कावासाकी को एक जोर का पंच मार देती है, जिससे कावासाकी की नाक से खून निकलने लगता है। आंजू का ऐसा रूप देख कर दोनों तो एकदम हैरान रह जाता है। अगली सीन में हम तोनो को एक छोटी बच्ची की तस्वीर के सामने बैठा हुआ देखते हैं। फिर अगले ही पल जब वो अपने बेड पर लेटकर म्यूजिक सुन रहा था, तभी उसे कुछ आवाज़ आती है। बाहर आकर देखता है तो उसके पिता ने जमीन पर खाना फेंक दिया था। वो कहते हैं कि आज वो कमबख्त औरत मेरे ऑफिस आई थी और कारिन की कब्र साफ करने की बात कर रही थी, जैसे कि वो बहुत अच्छी हो। ये सब बताकर अचानक ही तोनो के पिता उस पर भड़क पड़ते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, ये सब तुम्हारी ही तो गलती है, तुमने कारिन को मारा, मेरी कारिन वापस लाओ, चाहे उसके लिए तुम्हारी ही जान क्यों ना देनी पड़े। दरअसल कारिन तोनो की छोटी बहन थी जिसकी मौत हो चुकी है। तोनो अपने पिता से छूटकर बाहर भागता है और भागते हुए वो एक ट्रेन टनल के पास पहुंचता है। जब वो उस टनल की तरफ जा रहा था, तभी अचानक ही पीछे से ट्रेन आ जाती है, जिससे बचने के लिए तोनो साइड में कूद जाता है और फिसलते हुए वो जंगल के अंदर पहुंच जाता है, एक अजीब सी जगह पर। आगे चलते हुए तोनो को एक टनल नजर आता है, उसे देखकर वो मन ही मन सोचता है, आखिर ये कौन सी जगह है। तभी उसे टनल के अंदर से एक रोशनी नजर आती है, जिसे फॉलो करते हुए तोनो अंदर जाने लगता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, वो रोशनी भी बढ़ती जा रही थी, और फिर थोड़ा और आगे चलते हुए उसे बहुत सारे मेपल ट्री नजर आते हैं। उन्हें देखकर तोनो एकदम हैरान था, फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे सामने पानी में एक सैंडल पड़ा मिलता है। तोनो उसे उठाकर देखता है तो उस पर कारिन का नाम लिखा हुआ था। वो कहता है, आखिर ये सैंडल यहाँ क्या कर रहा है, कारिन तो मर चुकी है।
दोनों अपनी बहन का नाम पुकारते हुए आगे की तरफ भागने लगता है। तभी सामने से एक बर्ड उड़ती हुई आती है और दोनों पर बैठकर एक गाना गाने लगती है। वो गाना सुनकर दोनों हैरान रह जाता है और कहता है, क्या तुम सच में की हो? लेकिन तुम भी तो मर चुकी थी। दरअसल की दोनों का पेट हुआ करता था और उसने कारिन के साथ मिलकर ही की को वो गाना सिखाया था। अचानक ही दोनों को उन लड़कियों की बात याद आती है, उराशिमा टनल, और वो फॉरन टनल से बाहर निकलता है। बाहर आने के बाद भी वो बर्ड और सैंडल गायब नहीं हुई थी। दोनों कहता है, मतलब ये सब हकीकत है, कोई भ्रम या सपना नहीं। अगले सीन में हम दोनों को उसके रूम में देखते हैं। उसे अभी भी शक था कि क्या ये सच में की है। दोनों बड़ा कंफ्यूज था। वो जैसे ही खड़ा होता है तो गलती से पास में रखे बॉक्स में ठोकर लग जाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर उसके पिता उसके रूम में आ जाते हैं और वो उसे गले लगाते हुए कहते हैं, शुक्र है तुम वापस लौट आए, कहाँ चले गए थे? मुझे माफ करना, उस दिन मैं ड्रंक था और पता नहीं मैंने क्या क्या कह दिया। सच बताओ तुम कहाँ गए थे, कहीं टाउन तो नहीं चले गए थे ना? दोनों कहता है, नहीं बस ऐसे ही वॉक पर चला गया था। दोनों के डैड अजीब सा फेस बनाकर कहते हैं, ठीक है अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, लेकिन आइंदा से एक हफ्ते के लिए गायब मत होना। उनके जाने के बाद दोनों कहता है, एक हफ्ता? जब वो फोन चेक करता है तो उसका फोन स्विच ऑफ पड़ा हुआ था। वो फौरन से फोन चार्ज में लगाता है और आज की तारीख चेक करता है। आज 22 तारीख थी। अब अगले दिन दोनों का दोस्त उससे पूछ रहा था, क्यों भाई एक हफ्ते के लिए तुम कहाँ गायब हो गए थे? दोनों उससे झूठ बोलता है कि दरअसल उसकी तबीयत खराब हो गई थी। तभी आंजू भी उसके पास आकर कहती है, तो आज तुम आए हो, कल भी आओगे? दोनों कहता है, हाँ। आंजू कहती है, ठीक है तो कल मैं तुम्हारा अम्ब्रेला तुम्हें लौटा दूंगी। उसे देख देख कर ऐसे भी मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अब स्कूल से छुट्टी होने के बाद दोनों वापस से उसी टनल के अंदर जाता है और सब कुछ वैसा ही देखकर उसे यकीन हो चुका था कि ये सब सपना नहीं है, यही उराशिमा टनल है। दोनों कारिन को पुकारते हुए आगे की तरफ भागने लगता है। इतने पर ही पीछे से आंजू कहती है, ये कौन सी जगह है? दोनों उसे लेकर फौरन ही वहाँ से बाहर निकलता है और बाहर रात हो चुकी थी। ये लोग दिन में अंदर गए थे और रात को बाहर आते हैं। आंजू कहती है, अभी जस्ट हुआ क्या, क्या तुम मुझे समझा सकते हो? अगले ही पल हम देखते हैं कि दोनों वहीं पर बैठे हुए थे और दोनों ने टनल के बारे में उसे सब कुछ बता दिया था। आंजू कहती है, तो तुम्हारी विश क्या है? दोनों कहता है, कुछ नहीं। फिर आंजू पूछती है, तो क्या तुमने इस टनल के बारे में किसी और को भी बताया है? दोनों कहता है, बताऊंगा भी तो कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि सभी को ये बात एक अफवाह लगती है। आंजू उसके पास आती है और कहती है, मेरा साथ दोगी? देखो मेरी एक विश है और तुम्हारी भी होगी, तो चलो फिर एक साथ अंदर चलेंगे, तुम्हारी भी विश पूरी हो जाएगी और मेरी भी। दोनों उससे हैंडशेक कर लेता है और फिर अगले दिन से ही दोनों स्कूल के बाद से ही टनल पर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आखिर टनल के अंदर का टाइम बाहरी दुनिया से कितना अलग है, ये जानने के लिए दोनों एक दूसरे से कॉल पर जुड़ जाते हैं और फिर दोनों टनल के अंदर जाता है। दोनों कॉल पर बात कर रहे थे। आंजू कहती है, बात करते रहना, मुझे देखना है कि कॉल कब डिस्कनेक्ट होती है। बात करते हुए दोनों उससे पूछ लेता है कि क्या तुमने पहले भी किसी और को मारा है? आंजू कहती है, नहीं, कवासाकी पहली थी और वो उस पंच को डिजर्व भी करती थी क्योंकि उसने ही पहले आकर पंगा लिया था। दोनों कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हें उसे सॉरी कह देना चाहिए। बात करते हुए दोनों आगे बढ़ रहा था तभी कॉल बीच में डिस्कनेक्ट हो जाती है। दोनों फौरन ही टनल से बाहर आ जाता है। आंजू बताती है, 65 मिनट से कॉल डिस्कनेक्ट हो रखी है। दोनों कहता है, 65 मिनट, जबकि हम कुछ सेकंड पहले ही तो बात कर रहे थे। आंजू कहती है, ये बताओ कॉल कहाँ से डिस्कनेक्ट हुई थी? दोनों बताता है, मेपल ट्री जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ पर पहुँचते ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। आंजू कहती है, ये इतना भी आसान नहीं है, चलो हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। अब अगले दिन दोनों फिर से सेम चीज करते हैं और इस बार आंजू कहती है कि इस बार तुम मेपल ट्री से 3 सेकंड के अंदर ही वापस आने की कोशिश करना। दोनों वैसा ही करता है और इससे इन्हें ये बात पता चलती है कि अंदर बिताया 3 सेकंड बाहर 2 घंटे के बराबर है, जिस हिसाब से अंदर बिताए गए 30 सेकंड बाहर 20 घंटे के बराबर है और इस तरह से पूरा एक दिन 6.5 साल के बराबर है। अगले दिन ये दोनों फिर से ये पता करने के लिए पहुंचते हैं कि क्या अंदर जाकर किसी तरह का कॉन्टेक्ट किया जा सकता है या नहीं। कॉल तो डिस्कनेक्ट हो जाती है लेकिन क्या मैसेज भेजा जा सकता है? दोनों अंदर जाकर मैसेज करता है लेकिन मैसेज भी उसके बाहर आने के बाद ही सेंड हो पाता है, मतलब अंदर जाकर किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं किया जा सकता। फिर अगले दिन ये दोनों ये पता करने निकलते हैं कि जब टनल का एंट्रेंस है तो एग्जिट भी होगा ही। यही जानने के लिए दोनों टनल पर चढ़ रहे थे और तभी आंजू फिसल जाती है और दोनों एक दूसरे पर गिर जाते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन करते करते दोनों काफी करीब भी आ गए होते हैं। एक दिन दोनों का दोस्त उससे पूछता है, क्यों भाई आजकल आंजू के साथ ज्यादा नजर आ रहे हो, क्या डेटिंग शेटिंग चल रही है क्या? दोनों कहता है, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, बस दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। फिर इसके बाद एक दिन दोनों आंजू को अपने घर भी ले आता है उसी बर्ड को दिखाने के लिए।
इसके बाद दोनों उस टनल की हिस्ट्री को भी पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद एक दिन अब दोनों ही उस टनल के अंदर थे जहाँ से मेपल ट्री स्टार्ट हो रहे थे। आंजू वहीं रुकती है और दोनों आगे जाकर उसे मैसेज करता है। मैसेज करने के बाद वो जैसे ही पीछे पलटता है तो उसे बहुत सारी आंजू नजर आती हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस जगह पर किसी तरह का ग्लिच वगैरह हो गया हो। दोनों फौरन से वापस भाग कर आता है और देखता है कि आंजू वहीं पर बैठी हुई थी। उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? आंजू कहती है, 7 घंटे बीत गए, शायद तुम्हारे लिए सिर्फ 10 सेकंड्स ही रहे होंगे। दोनों कहता है, माफ करना, मैं कुछ सेकंड्स के लिए जोन आउट हो गया था। आंजू कहती है, ठीक है, माफी मत मांगो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैसेज फिर से पहले की तरह रिसीव नहीं हुआ था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि आंजू दोनों को मिलने के लिए बुलाती है। अब अगले दिन दोनों मिलते हैं और आंजू उसे एक एक्वेरियम में ले जाती है। दोनों उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? आंजू कहती है, क्योंकि दोनों मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। दोनों कहता है, क्या मतलब है? आंजू कहती है, गलत मत समझना, वो वाला लाइक नहीं, सिंपल लाइक वाला लाइक। फिर वो आगे पूछती है, वैसे मैंने तुम्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा, क्या इसके पीछे कोई वजह है? दोनों खामोश रहता है। आंजू कहती है, वैसे कल जब तुम मेपल ट्री के उस पर गए थे तो मैं काफी ज्यादा डर गई थी। कहते हैं कि वो टनल तुम्हें दुनिया से एकदम कट ऑफ कर सकता है। मुझे अभी भी उस टनल के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई। इन्हीं सब के बारे में बात करने के लिए मैंने तुम्हें आज यहाँ पर बुलाया, ताकि तुमसे अच्छे से बात कर सकूं। दोनों कहता है, तुम्हें डर लगा? बस हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए। आंजू कहती है, नहीं, मैं नहीं रुकने वाली, मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल करके रहूंगी, और तुम्हारी भी तो कोई विश है ना? इस पर दोनों बताता है कि मैं इस एक्वेरियम में पहले भी आ चुका हूँ, मैं, मॉम, डैड और मेरी बहन। आंजू कहती है, क्या तुम्हारी बहन भी है? दोनों कहता है, हाँ, है नहीं, थी, बहुत हंसमुख और प्यारी सी थी। उसकी विश थी कि इस दुनिया में कभी कोई उदास ना हो, सब हमेशा खुश रहें। एक दिन ऐसे ही बड़ी मामूली सी बात पर मेरी उससे लड़ाई हो गई और मैं गुस्सा होकर बाहर चला गया। घर वापस लौटा तो पता चला पेड़ से गिरकर उसकी मौत हो गई है। मेरे लिए एक बीटल पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ी थी वो। उसकी मौत के बाद मॉम ने घर छोड़ दिया और डैड अल्कोहलिक बन गए, पूरा परिवार बिखर गया। आंजू कहती है, तो क्या तुम? दोनों कहते हैं, हाँ, मैं कारिन को वापस लाना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर आंजू एकदम हैरान रह जाती है। दोनों कहता है, तो क्या अब ये सब जानने के बाद मैं तुम्हें डरावना लग रहा हूँ? थोड़ी देर खामोश रहने के बाद आंजू जवाब देती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब अगली सीन में हम दोनों को उसी टनल में देखते हैं। दोनों कहता है, ठीक है, मेरी स्टार्ट बोलते ही हम एक साथ भागेंगे। दोनों टाइमर स्टार्ट करता है और दोनों एक साथ भागते हैं। भागते हुए आंजू से थोड़ा आगे थी, 44 सेकंड्स हो गए थे। दोनों कहता है, बस अब हमें वापस लौटना होगा। आंजू नहीं मानती। तभी सेम टाइम पर आंजू के पास कुछ पेपर्स आकर गिरते हैं। दोनों कहता है, बस अब हमें वापस लौटना ही होगा। आंजू उन पेपर्स को उठाने लगती है और कहती है, तुम जाओ, मैं इन पेपर्स को समेट कर तुम्हारे पीछे आती हूँ। दोनों कहता है, तुम नहीं आ पाओगी। आंजू मान ही नहीं रही थी और 1 मिनट हो चुका था। दोनों भी उन पेपर्स को उठाने में हेल्प करने लगता है और पूरी पेपर्स उठाते ही वो उसे फौरन लेकर बाहर आता है। पूरे 2 मिनट गुजर गए थे। दोनों कहता है, तो क्या तुम यही चाहती थी? आंजू बताती है, हाँ, ये एक लौती चीज है जो कि मुझे मेरे ग्रैंडफादर से जोड़ती है। बारिश शुरू हो गई थी और इस हालत में दोनों वापस घर नहीं लौटना चाहता था, तो आंजू उसे अपने घर पर ले जाती है। दोनों आंजू के रूम में था और वहाँ पर मित्सुओ नाम से बहुत सारी मांगा रखी हुई थी। दोनों उन्हें उठाकर रीड करने लगता है। तब तक आंजू भी कपड़े चेंज करके वापस आ जाती है। दोनों उससे पूछता है, आखिर ये मित्सुओ कौन है? आंजू बताती है कि मित्सुओ उसके ग्रैंडपा हैं, वो एक मांगा आर्टिस्ट थे। दोनों कहता है, ओ, अब मैं समझा, तो वो तुम्हारी ग्रैंडपा की मांगा थी जिसे कवासाकी ने फेंक दिया था और उस वजह से तुमने उसे गुस्से में हिट किया। वो आगे कहता है, फिर तो शायद वो पेपर भी तुम्हारे ग्रैंडपा की लिखी कोई मांगा है या फिर तुम्हारी। आंजू हैरान रह जाती है और कहती है, तुमने कैसे गेस किया? दोनों कहता है, बस ऐसे ही। और अब आंजू अपनी स्टोरी बताती है। दरअसल उसके ग्रैंडपा एक मांगा आर्टिस्ट थे और उनका काम कभी इतना फेमस हुआ ही नहीं, क्योंकि इस फील्ड में बहुत कंपटीशन है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और मांगा लिखते रहे। वो मांगा लिखने के लिए कभी कभी आंजू के पिता से भी पैसे वगैरह मांग लिया करते थे। और फिर जब उनकी मौत हुई तो आंजू के पिता की आंखों से एक आंसू तक नहीं गिरा, क्योंकि उनकी नजरों में मित्सुओ एक बोझ थे। आंजू अपने ग्रैंडपा से काफी इंस्पायर हो रखी थी और वो भी एक मांगा आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन जब उसने अपने पेरेंट्स से ये बात शेयर की तो वो नाराज हो गए और उसे घर से ही निकाल दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि उसके ग्रैंडपा की तरह उसका भी करियर नहीं बन पाएगा। और आज जो मांगा के पेज उसने उस टनल से इकट्ठा किए हैं वो उसकी लिखी पहली मांगा थी जो कि उसके पिता ने ही फाड़ कर फेंक दी थी। आगे वो बताती है कि उसने अपने लाइफ में बहुत सारे स्टोर्स विजिट की, लेकिन उसे कभी भी किसी स्टोर में उसके ग्रैंडपा का एक भी वर्क नहीं मिला। वो एक अननोन मांगा आर्टिस्ट थे।
और उस दिन जब उसकी दोनों से पहली मुलाकात हुई थी तो आंजू स्कूल न जाकर अपनी मांगा ही सबमिट करने गई थी, लेकिन ऑफिस के बाहर से ही डर कर वापस लौट आई थी। उसे डर था कि वो ये नहीं कर पाएगी। दोनों पूछता है, आंजू आखिर तुम्हारी विश क्या है, तुम चाहती क्या हो? आंजू कहती है, मैं टैलेंट चाहती हूँ, एक ऐसी मांगा लिखने का जो कि इस पूरी दुनिया में हमेशा के लिए याद रखी जाए। दोनों कहता है, ठीक है, तो क्या तुम मुझे अपनी वो मांगा दिखा सकती हो जिसे तुम सबमिट करने गई थी? आंजू कहती है, नहीं सॉरी, स्टोरी बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दिखा सकती। दोनों जिद कर रहा था। आंजू कहती है, पिटना है क्या, कहना नहीं? दोनों कहता है, मांगा तुमने रीड करने के लिए तो लिखी है ना, तो दिखा दो। काफी ज्यादा मनाने के बाद वो उसे अपनी मांगा रीड करने देती है। उसकी मांगा रीड करके दोनों काफी इम्प्रेस होता है क्योंकि स्टोरी काफी तगड़ी थी। वो उसकी काफी तारीफ करता है। आंजू काफी ज्यादा शर्मा गई होती है। आगे वो कहता है कि तुम्हारे पास तो ऑलरेडी स्पेशल टैलेंट है। आंजू कहती है, नहीं मेरे पास कुछ खास नहीं है तुम्हारे मुकाबले में। मैं उस एक्वेरियम में ही समझ गई थी कि तुम स्पेशल हो। मेरी विश तो बहुत छोटी और मामूली सी है। तुम अपनी एक विश पूरी करने के लिए सब कुछ खोने को तैयार हो। दोनों कहता है, तुम काफी बढ़ा चढ़ा रही हो। मैं तो बस तभी आंजू उसे धक्का देकर उस पर चढ़ जाती है और कहती है कि मैं उस दुनिया में जाना चाहती हूँ जहाँ तुम हो। मैं तुम्हारी नजरों से ये दुनिया देखना चाहती हूँ, तो बताओ कैसी दिखती है ये दुनिया? दोनों कहता है, मेरी नजरों से काफी बोरिंग लगती है। आंजू कहती है, चलो फिर अगली बार हम कारिन के लिए उस टनल में जाएंगे। दोनों कहता है, हाँ और जब तक वो मिल नहीं जाएगी हम वापस नहीं लौटेंगे। आंजू कहती है, हाँ जब तक मुझे भी स्पेशल टैलेंट नहीं मिल जाता मैं भी बाहर नहीं आने वाली। तो कब जाना है? दोनों कहता है, 2 अगस्त को। अब अगले सीन में जब दोनों क्लास से निकल रहा था तभी दोनों का दोस्त कहता है, हे हम अगले हफ्ते समर फेस्टिवल में जा रहे हैं, तुम भी साथ आना चाहोगी? दोनों मना करने वाला था तभी उसका दोस्त कहता है, अच्छा हाँ तुम तो आंजू के साथ जा रहे होगी। दोनों गुस्से में कहता है, नहीं मैं उसके साथ नहीं जा रहा, और वैसे आइडिया बुरा भी नहीं है। फिर अगले हफ्ते हम देखते हैं कि दोनों एक साथ समर फेस्टिवल में आए थे। घूमने फिरने और खाने पीने के बाद दोनों एक अलग सी जगह पर जा रहे थे। आंजू कहती है, साइन बोर्ड पर लिखा है यहाँ आना मना है। दोनों बताता है, ये मेरी और मेरी बहन की एक सीक्रेट जगह हुआ करती थी। जब भी पेरेंट्स के बीच घर में लड़ाई होती तो हम दोनों लड़ाई से बचने के लिए यहाँ पर भाग आते। आंजू पूछती है, लेकिन तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए? दोनों कहता है, पता नहीं दोबारा कब इस जगह पर वापस आ पाऊंगा, शायद 1000 साल बाद। तो एक लास्ट बार इस जगह को देखना चाहता था। आंजू कहती है, फिर तो उस समय तुम, मैं और कारिन एक साथ आएंगे। दोनों कहता है, तो क्या उस समय पर मांगा एग्जिस्ट करेंगे? आंजू कहती है, हाँ शायद। पीछे फायरवर्क्स भी शुरू हो जाते हैं। आंजू पूछती है, वैसे तुमने 2 अगस्त ही क्यों चूज किया? दोनों बताता है, क्योंकि 2 अगस्त को ही कारिन की मौत हुई थी। ये सुनकर आंजू उसका हाथ पकड़ लेती है और इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है। अब दोनों जब घर पहुंचता है तो उसके पिता के कमरे से एक औरत की आवाज आ रही थी। वो झांक कर देखता है तो कमरे में उसके पिता के साथ एक औरत मौजूद थी। उसके पिता भी उसे देख लेते हैं और अंदर ले जाकर उसे उस औरत से इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये तुम्हारी न्यू मॉम होने वाली है। ये खबर सुनते ही दोनों के पैर से तो जैसे जमीन ही सिरक जाती है। उसके पिता टोक्यो मूव होने की भी बात कर रहे थे। वो बार बार अपने पिता को और अंदर रखी कारिन की तस्वीर को ही देखे जा रहा था। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि उसके पिता ने अभी उससे क्या कहा। वो वापस से अपने कमरे में लौट जाता है। अगली सुबह उसकी आँख खुलती है मैसेज की नोटिफिकेशन से। ये आंजू का ही मैसेज था। अगले ही सीन में हम दोनों को एक रेस्टोरेंट में देख पाते हैं। काफी देर कुछ ना बताने के बाद दोनों उससे पूछता है, तो आज किस लिए बुलाया है? आंजू बताती है कि तुम्हारे रीड करने के बाद मैंने मांगा को एक कंपनी में सबमिट कर दिया था और आज सुबह ही मुझे उसी मैगजीन एडिटर की तरफ से कॉल आई। उन्हें मेरी मांगा बहुत ही ज्यादा पसंद आई है और वो मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। दोनों कहता है, इसका मतलब है क्या तुम डिब्यूट करने वाली हो? आंजू कहती है, नहीं अभी कुछ क्लियर नहीं है, और वैसे भी छोड़ो हम कल उस टनल में तो जा ही रहे हैं ना। दोनों कहता है, शायद हमें जाने से पहले थोड़ा और सोच लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा कदम है। आंजू कहती है, नहीं मैं जल्द से जल्द उस टनल में जाना चाहती हूँ, मैं और ऐसे नहीं रह सकती, मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है और इसलिए मुझे जल्द ही एक स्पेशल टैलेंट चाहिए। दोनों कहता है, ठीक है इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले थोड़ा कुछ खा लेते हैं। अगले सीन में दोनों स्टेशन पर बैठे हुए थे तभी फिर से अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन के सामने एक जानवर के आ जाने की वजह से एक्सीडेंट हो गया है जिस कारण से ट्रेन आधा घंटा देरी से आएगी। अनाउंसमेंट सुनकर दोनों पास से ही एक सनफ्लावर तोड़कर लाता है और उसे अम्ब्रेला की तरह आंजू को देते हुए कहता है, ये लो तुम इसे रख लो, मेरा घर स्टेशन के पास ही है तो मैं चला जाऊंगा। दरअसल वो अपनी पहली मुलाकात आंजू के साथ फिर से रिक्रिएट कर रहा था। पूरा सीन वापस से रिक्रिएट करने के बाद दोनों आपस में काफी ज्यादा हंसते हैं और दोनों का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर आंजू कहती है, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा इतना भी बुरा नहीं है तो हंसा करो। तभी उसे याद आता है, अरे हाँ तुम्हारा अम्ब्रेला, मैंने तो उसे अभी तक तुम्हें लौटाया ही नहीं, अगली मुलाकात में जरूर लौटा दूंगी। अब रात को हम देखते हैं कि दोनों अपने फोन में कुछ मैसेज टाइप कर रहा था।
और उसने बैग वैग लटका रखे थे। अब अगले दिन 2 तारीख थी और अभी तक आंजू को दोनों की तरफ से एक भी मैसेज नहीं आया था। आंजू से सबर नहीं होता और वो डायरेक्ट उसके घर पहुंचती है। तब उसके डैड उसे बताते हैं कि दोनों फिर घर से भाग गया। ये सुनते ही आंजू फौरन वहाँ से निकलती है। उसे पता था कि तोनो कहाँ गया है। भागते हुए वो तोनो को ही पुकार रही थी। उसे समझ आ गया था कि आखिर कल तोनो ने उसके साथ वापस से वो सीन क्यों रिक्रिएट किया। उसे तोनो के साथ बिताए गए हर एक पल याद आ रहे थे। आंजू टनल के पास पहुंच गई थी और वो चिल्ला कर कहती है क्यों? तभी उसे एक मैसेज आता है तोनो की तरफ से। उसमें लिखा था कि जब तुम्हें ये मैसेज मिलेगा तो इसका मतलब है कि मैं टनल के अंदर जा चुका हूँगा। शायद तुम मैसेज पढ़कर गुस्सा होगी और नाराज भी, लेकिन टनल के अंदर जाने के लिए तुम सही इंसान नहीं हो। तुमने कहा था कि तुम्हें स्पेशल टैलेंट चाहिए, लेकिन वो ऑलरेडी तुम्हारे पास है। और तो और अब तुम्हें एक ऑफर भी मिल चुका है। मैं तुम्हारी मांगा पढ़ना चाहता हूँ, तो प्लीज बहुत सारी कहानियाँ लिखना। और हाँ, टनल के बारे में मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता हूँ। ये टनल किसी की विश पूरी नहीं करता, बल्कि खोई हुई चीजों को स्टोर करके रखता है। तो जो तुम्हारी विश थी स्पेशल टैलेंट पाने की, वो ऐसे भी पूरी नहीं हो पाती, इसलिए मैं अकेला ही चला आया। बेस्ट ऑफ लक और बहुत सारी कहानियाँ लिखना, ताकि जब मैं 1000 साल बाद लौटूं तो उन्हें पढ़ सकूं। गुड बाय। मैसेज पढ़कर आंजू अपने आंसू रोक नहीं पाती और वो फूट फूट कर रोने लगती है। और वो उसे उसी वक्त बहुत सारे मैसेज भेजती है, जैसे कि धोखेबाज चीटर, अगर अकेले ही जाना था तो हम मिलकर काम क्यों कर रहे थे। तो मुझे समझ ही नहीं पाए कि मैं क्या फील करती हूँ। मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, उसके लिए चाहे मुझे इस दुनिया की हर एक चीज ही दांव पर क्यों ना लगानी पड़ती। वहीं अंदर तोनो अपना फोन वहीं पर फेंक कर आगे बढ़ रहा था। तभी उसे उसके पेरेंट्स सामने नजर आते हैं। ये उनकी एक पुरानी याद थी। तोनो आगे बढ़ जाता है और वो चलता जा रहा था। उसे चलते हुए पूरे 14 घंटे हो गए थे, मतलब बाहर 4 साल बीत चुके हैं। चलते चलते वो काफी ज्यादा थक भी गया था, लेकिन तोनो हिम्मत नहीं हारता और कारिन को पुकारते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसे सामने एक रोशनी नजर आती है। उसे देखकर वो तेजी से उसकी तरफ भागता है और अगले ही पल हम उसे एक याद में देख पाते हैं। वो रूम में बैठा था। तभी कारिन जूस लेकर आती है। वो कहती है तुम उड़ गए, देखो मैं तुम्हारे लिए जूस लाई हूँ। तोनो उसे बताता है अभी उसने एक बिल्कुल अजीब सा सपना देखा। कारिन पूछती है कैसा सपना। तोनो कहता है पता नहीं, मैं भूल गया। फिर कारिन भागकर जाती है और एक बीटल लेकर आती है, जो कि उसने तोनो के लिए पकड़ा था। तोनो कहता है मेरे लिए है। कारिन कहती है हाँ, लेकिन दूंगी नहीं। तोनो भी अपनी बहन को परेशान करने लगता है और तभी उसकी नजर जाती है मिरर पर और तब वो अपने ओरिजिनल सेल्फ को देख पाता है। तोनो घबरा कर उठता है, जिससे जूस वहीं पर गिर जाता है। कारिन जूस साफ करने के लिए एक कपड़ा लेने चली जाती है। वहीं तोनो कहता है आखिर ये कौन सी जगह है। तभी पास में रखे फोन पर अचानक ही नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं। तोनो कहता है इसे तो मैंने फेंक दिया था, ये दोबारा यहाँ कैसे आ गया। सारे के सारे मैसेज आंजू की तरफ से थे। 2005 के बाद से उसने तोनो को मैसेज करना बंद नहीं किया था। तोनो के फोन पर हर साल के मैसेज आए जा रहे थे। तभी कारिन वापस लौट आई थी और वो पूछती है दोस्त का मैसेज है। तोनो कहता है हाँ, लेकिन शायद अब वो मेरी दोस्त नहीं रही। कारिन पूछती है क्यों, क्या हुआ, लड़ाई हुई है। वैसे भाई लड़ाई करना बुरी बात है। तोनो कहता है सब ठीक है जब तक तुम मेरे साथ हो। कारिन कहती है मुझे पता है भाई, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ, लेकिन आपको दूसरों से भी प्यार करने का हक है। अगर आप मेरे अलावा किसी और को भी चुनोगे तो मुझे काफी खुशी होगी। इतने पर ही आंजू की तरफ से कुछ और मैसेज आते हैं। मैसेज देखकर तोनो कहता है हाँ, मैं कारिन के पास ही रहना चाहता हूँ, लेकिन इस समय मुझे किसी और के पास जाना होगा। कारिन मुस्कुरा कर कहती है ये हुई ना बात। फिर तोनो जब दरवाजे के बाहर निकलने वाला था, तभी पीछे से कारिन कहती है तोनो रोते हुए उस दरवाजे से बाहर आ जाता है। वहीं हम आंजू को देखते हैं, जो कि अब एक मांगा आर्टिस्ट बन चुकी थी और उसके पास अभी भी वो पुराना फोन है जिससे वो तोनो को अब भी मैसेज किया करती थी। दूसरी तरफ तोनो अपनी जी जान लगाकर भाग रहा था और उसे आंजू के साथ बिताए हर एक पल याद आ रहे थे। वो भागते हुए मैसेज टाइप कर रहा था कि आंजू मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन इतने पर ही वो गिर जाता है और सीन शिफ्ट होता है आंजू की तरफ। वो अपने एडिटर से मिलने के लिए पहुंची थी कुछ समय की छुट्टी लेने के लिए। उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, वो ज्यादातर डिप्रेस रहती है और अब वो कहानियां भी नहीं लिख पा रही है। उसके पास अम्ब्रेला देखकर एडिटर कहता है ये अम्ब्रेला हमेशा तुम्हारे पास रहता है, क्या ये किसी की निशानी है। आंजू खामोश रहती है। फिर अगले सीन में वो उसी स्टेशन पर बैठी हुई थी। फिर से अनाउंसमेंट होती है कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाने की वजह से ट्रेन 1/2 घंटा देरी से आएगी। आंजू रो पड़ती है और कहती है कि तोनो मैं तुम्हें अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही। वो वहाँ पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसके पुराने फोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज अधूरा था, लेकिन उसे देखते ही आंजू फौरन वहाँ से भागती है और अगले ही पल जब तोनो की आँख खुलती है तो आंजू उसके सामने थी। तोनो हैरान होकर पूछता है तुम यहाँ। आंजू कहती है हाँ।
क्योंकि तुम वापस लौटने में बहुत वक्त लगा रहे थे, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें लेने आ गई। दोनों कहता है मैं तुम्हें मैसेज भेजना चाह रहा था। आंजू कहती है मैसेज मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, और वो बिना वक्त जाया किए उसे किस कर लेती है। फिर अगले सीन में दोनों बाहर आ चुके थे, और अंदर इन्होंने भले ही एक दिन गुजारा हो लेकिन बाहर 6.5 साल बीत चुके थे। काफी चीजें बदल गई थी, दोनों तो पूरे 13 साल बाद बाहर आया था। आंजू कहती है चलो कम से कम 1000 साल तो नहीं बीते। दोनों कहता है हाँ, और अब फाइनली मैं तुम्हारी मांगा रीड कर पाऊंगा। आंजू कहती है तुम्हें कैसे पता कि मेरी मांगा पब्लिश हो चुकी है। दोनों बताते हैं तुम्हारे सारे मैसेज मुझे मिले, हालांकि जब तुमने इन्हें भेजे थे तब नहीं रिसीव हुए, लेकिन हाँ थोड़ा देर से ही सही सारे मैसेज मिल गए। आंजू कहती है फिर तो हमें वापस साथ लाने में उराशिमा टनल का ही हाथ है। इतने पर ही धीमी धीमी बारिश शुरू हो जाती है। दोनों आंजू के हाथ से अम्ब्रेला लेकर खोल लेता है और कहता है क्या तुम इसे हमेशा ही साथ लेकर घूमती हो क्या। आंजू कहती है हाँ, और फाइनली अब मैं तुम्हें तुम्हारा अम्ब्रेला लौटा पाऊंगी और तुम्हारी कर्जदार नहीं रहूंगी। तो चलो फिर अब से हम पीछे मुड़कर वापस कभी नहीं देखेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।